सरकार की तरफ से लेटर भी आया था? हाँ आया, आया लेटर आया सरकार की तरफ से। क्या रहा आया, क्या कुछ फैसला हो पाया है कि कब वापसी होगी? वापसी का बहुत चर्चा करो। कुत्ते के गले में बंद का आया लेटर, ऐसे लेटर आते हैं, उसके जवाब मांगेंगे कल। तो आपने रिसीव क्यों किया कुत्ते? हाँ हाँ यार, रिसीव कर लिया हमने, देख लेंगे चिट्ठी में क्या आया, चिट्ठी तो पढ़ के देख ली चाह उन्होंने भेजा, मतलब अपमान की घूंट पियाने चाह रहे कि अपमान की घूंट पी कर ये चला जा, उसमें जवाब लेंगे उनसे कुछ बिंदु पे। उन्हें भेज दिया, कल 2 बजे करेंगे मीटिंग और ठोका करेंगे मीटिंग कल 2 बजे। क्या सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव था? हाँ प्रस्ताव प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ, मतलब अजीब आई थी भी उठ जाओ सारी बात मान लेंगे, ये 12 महीने से बैठा क्यों रखे, MSP पे भी बताई कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे की भी रखेंगे, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल का बताओ उसमें, कल 2 बजे चर्चा करेंगे उसमें, कल 2 बजे तक का सरकार को फिर जो उनकी चिट्ठी थी जो ऐतराज थे उनको भेज दिए, इन इन इस पर हमारा ऐतराज है, इस पर स्पष्ट बताओ और फिर आगे 2 बजे बताओगे फिर हमें क्या करना। भाई बैठ के बातचीत होती होगी टेबल पे या वहीं हो जा, अगर ये किसान नाराज होगा गाँव का कि तुम हमारे से बात नहीं करते, हम सारे से बात नहीं कर देंगे, जब क्या होगा, सोले सोले बात कर लो, जो जो मामले हैं उन्हें बैठा कर निपटा लो। नहीं नहीं मैं नहीं उसमें शामिल था, मैं उत्तराखंड गया था कल और अभी सीधे वहां से ही हम आ रहे हैं। सर केस वापसी को लेकर क्या प्रस्ताव था और आप लोगों के पास? केस प्रस्ताव ये है कि हम वापसी ले लेंगे, आप चले जाओ, बात कोई कर रहे, चिट्ठी पे है, चिट्ठी पे कौन विश्वास कर ले भाई, चिट्ठी पे किसी पे, चिट्ठी पे कोई विश्वास कर लग रहा, किसने भेजी, कहाँ से चिट्ठी आई, इसमें चर्चा हुई वहां पे, सारी चीजों पे चर्चा हुई। भाई यहाँ के ट्रैक्टर भी है, छोड़ना तो शुरू करो, यहाँ के ट्रैक्टर जाते जाते भी 8 दिन लगेंगे न जाने में, जो दिल्ली के थानों में खड़े, आंदोलन खत्म करके कोई थाने में कोई किसी किसान की हिम्मत है कि फिर दिल्ली के थाने में आ जाएगा? ये बहुत से सवाल है, उनको स्पष्टीकरण दे। कमेटियां है, कमेटी में रखेंगे जी, कमेटी बनाओगे जी, कमेटी तो भाई 10 साल से बढ़ रही, हमें पता कमेटी का क्या होता है। वापसी नामों पर ऐतराज भी आप लोगों द्वारा दिखाया गया, वो कौन से नाम है जिनके ऊपर आप ऐतराज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी नाम किसी का नहीं उसमें दिया, नाम किसी का नहीं दिया कि ये लोग रहेंगे, लेकिन हमें ये है कि नामों का स्पष्ट कर दो भाई, बना दो कौन कौन से रहेंगे, क्या है शायद उस पर वो होगा नाम का, क्योंकि तो पढ़े पढ़ाए बनाओगे, किस किस को बनाओगे, जो उनसे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, व्यापारियों के स्कूल में जो पढ़ा हुआ है तो वही तो लिखा गया ना उसमें। उसके बाद SKM के कई नेता बोल रहे हैं कि अब कल ऐलान कर दिया जाएगा, घर वापसी हो जाएगी। अरे SKM मॉडल तो आज बोल रहे कि ये आप ही बता रहे, और मीडिया चैनल पिछले 15 दिन से बोल रहे, और सरकार पिछले 1 साल से बोल रही घर कोई नहीं जाता, पूरा हिसाब किताब पक्का लेकर जाएंगे। ना हमें तो कोई मिला नहीं भाई, हमें तो कोई मिला नहीं, हमें मिला भाई ना, कौन मिला आपको बता? कुलदीप सिंह संधू। अच्छा SKM के मेंबर हैं आप? अच्छा और ठीक है, कोई बात नहीं, और भी तो 40 होंगे। तो वोटिंग क्यों नहीं करवाते? और क्यों करवाओ हम वोटिंग, आप बोलते हैं डेमोक्रेटिक। हाँ नहीं है, हमारा तो डेमोक्रेटी है भाई, हमारा सारा है सिस्टम, हम आपकी चाल में नहीं फंसे। हम कहाँ चाल में? ना ना चाल में तो फंसा रहे भाई, हम उस्ताद हो रहे सारे के सारे। हमारी कल मीटिंग होगी 2 बजे और उसमें कुछ सरकारों को सुझाव दिए हैं, उनका भी जवाब दे देंगे, क्या जवाब देता है, अब आदान प्रदान होगा। लेकिन जिस तरह से चिट्ठियों को भेजने का आदान प्रदान है भाई, अपने आप भी आ जाए, थोड़ा ब्याह की चिट्ठी भी नहीं देना हुए, उसकी भी कोई ना कोई चिट्ठी दे, किसी का ब्याह शादी हो अपने आप देखा वेला भाई ये कार्ड है। अगर ये किसान नाराज होगा, अगवे बात नहीं कर रहे, हम भी बात नहीं कर रहे, जब क्या होगा बताओ, क्या होगा, अपने घरों पर लगा देंगे, अपना बोर्ड लगाए दिया अपने, लगा रखे है उत्तराखंड में, आज लगा रखा, मेरा घर सम्मान का घर,
बीजेपी का घर ने इस तरह का कोई चोर लगा रखा है। अरे सर ये ऐसा लग रहा है लोग ये कह रहे कि सिर्फ अब सम्मान की लड़ाई बच गई, ना ना बुला ले, अरे बैठ के बात कर ले तो किसान चले जाएंगे क्या। अरे मुकदमे मुकदमे कौन करेगा, ये 20,000 मुकदमे हैं ये ना कौन करेगा। यूपी और हरियाणा सरकार तो पहले से ही तैयार है सर। कहाँ है किराया एक का नहीं किसी का भी तैयार है, किराया एक का नहीं किसी का भी। दिल्ली में ट्रैक्टर कौन लेकर जा गए, ट्रैक्टर भी तो बंद है, 150 से ज्यादा ट्रैक्टर है भाई। अब लोग को तो नए ट्रैक्टर खड़े करके और ये कहते ये किसान का ट्रैक्टर लेकर चलो भाई जी, कुछ तो काम निमटा हुए करा एक काम नहीं। कंपनी में कोई ट्रैक्टर की कमी है कोई, जाके खड़े कर जिस चीज का ट्रैक्टर